खबरें फटाफट में नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश की ताजा अपडेट्स पर। राष्ट्रीय उच्च मार्ग शिमला चंडीगढ़ पर एक जंगली जानवर को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे डंगे से टकराई कार। हादसे में कार सवार व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी, सिविल अस्पताल कंडा घाट में प्राथमिक उपचार के बाद IGMC शिमला रेफर। पहाड़ जैसा हौसला रख उत्तराखंड की सिलकियारा सुरंग में 17 दिन बाद जिंदगी की जंग जीतकर मंडी जिले के बल क्षेत्र के डहनू गांव का विशाल अपने पिता के साथ लौटा घर। विशाल के घर पहुंचने पर परिजनों के साथ बड़ी संख्या में रिश्तेदारों व ग्रामीणों ने बैंड बाजे व फूल मालाओं के साथ किया भव्य स्वागत। धर्मशाला की ट्रैकिंग साइट त्रिउंड में इको टूरिज्म के तहत डे ट्रैकिंग के 200 रुपए लेने पर विदेशी तिब्बती पर्यटकों से नोकझोंक। टेंट में 2 पर्यटकों को रहने के 1000 चुकाने होंगे दाम। पौंग झील में प्रवासी पक्षियों की आमद के साथ ही बर्ड फ्लू की आशंका। पौंग झील में अफ्रीका, इंग्लैंड, एशिया, चीन, मंगोलिया इत्यादि बाहरी देशों से प्रवासी पक्षियों के आने से बर्ड फ्लू का खतरा भी बढ़ा। लाहुल घाटी में बर्फबारी के बाद अटल टनल से होकर के लॉन्ग मनाली के बीच HRTC की बस सेवा बंद। मनाली से अटल टनल नॉर्थ पोर्टल तक 4x4 वाहनों में पहुंच रहे सैलानी। कोकसर से आगे ग्रामफू और दारचा से बारालाचा की तरफ सड़क मार्ग बंद। अटल टनल के नॉर्थ और साउथ पोर्टल के साथ तेलिंग, कोकसर, सिस्सु और गोंदला के ऊंचाई वाले रिहायशी इलाकों में आधा फुट हिमपात। पूरी घाटी में शीत लहर का प्रकोप, यात्रियों को एहतियात बरतने की सलाह। करियाड़ा मिडिल स्कूल के पास मेन चौक बाजार में करीब 1 महीने से लगातार पेयजल पाइप लीक। सड़क रोज सड़क पर बेकार बह रहा पानी, विभाग को नहीं कोई खबर। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी ने मनाया 39वां स्थापना दिवस। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे भारत सरकार के नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद। संयुक्त भारतीय खेल फाउंडेशन द्वारा धर्मशाला में आयोजित नेशनल ओपन खेल प्रतियोगिताओं में चंगर क्षेत्र दुराना मनेई नढोली के 6 खिलाड़ियों ने जीते मेडल। कुश्ती में रजत चौधरी, नमेश धीमान, अमन सनोरिया, फुटबॉल में ईशांत कौशल, पावरलिफ्टिंग में प्रज्वल शर्मा ने जीता सोना। 800 मीटर दौड़ में नढोली के सूरज ने ब्रॉन्ज मेडल पर किया कब्जा। बिलासपुर की सीमेंट नगरी बरमाना में स्थित गुग्गा मंदिर परिसर में 15 दिवसीय निःशुल्क एक्यूप्रेशर थेरेपी शिविर शुरू। आरोग्य मंदिर संस्था जोधपुर राजस्थान द्वारा 15 दिवसीय निःशुल्क एक्यूप्रेशर मेडिकल कैंप का 14 दिसंबर तक चलेगा। वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश में पहली बार नॉर्थ जोन महिला वर्ग फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन। 1 से 7 दिसंबर तक मंडी के ऐतिहासिक पड्डल ग्राउंड में आयोजन। चैंपियनशिप में नॉर्थ जोन के 26 विश्वविद्यालयों के 560 से अधिक महिला खिलाड़ी लेंगी भाग। जिला के बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से नई योजना शुरू। योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को खिलाए गए रागी के लड्डू। बस अड्डा हमीरपुर में बैग चोर गिरोह अब दोबारा सक्रिय। ताजा मामले में हमीरपुर बस अड्डा में शुक्रवार दोपहर कॉलेज के 2 लड़कियों के बैग दिन दिहाड़े निजी बस से गायब। बस की CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने शुरू की छानबीन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल बोले, CM 3 गारंटियों को पूरा करने का कर रहे दावा। बिंदल का चैलेंज, कांग्रेस दी गई गारंटियों को लेकर विधानसभा में श्वेत पत्र लेकर आए। नगरोटा बगवा की ग्राम पंचायत मुमता के लोग नगर परिषद के विरुद्ध लामबंद। मुमता में डंपिंग साइट पर कूड़ा फेंकने आई गाड़ी अनलोड होने से रोकी। महिलाओं का आरोप, यदि परिषद ने यहाँ कूड़ा फेंकना बंद ना किया तो तेज होगा आंदोलन। खबरें फटाफट में, इतना ही, बने रहें दिव्य हिमाचल TV के साथ।